हेलो गाइस, बाइट का टेस्ट किचन में आपका स्वागत है। गाइस, आज की रेसिपी है बेसन की मिस्सी रोटी। इसे हम प्याज और हरी मिर्च धनिया डालते हुए बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 500 ग्राम बेसन को अच्छे से छान लें। इसके साथ ही 250 ग्राम के करीब गेहूं का आटा डालें और बेसन और आटे को अच्छे से मिक्स करें। अपने टेस्ट के अनुसार नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डालें। अच्छे से मसाले को आटे में मिक्स करें और 3 से 4 चम्मच देसी घी अच्छे से मेल्ट करते हुए आटे में डालें। मोइन के लिए अच्छे से मिक्स करें और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए डालें। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालें। अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स करें और हाथों की हेल्प से अच्छे से सभी मिश्रण को मिक्स करते हुए गुनगुने पानी से एकदम रोटी जैसा नरम डोल गाएं। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एकदम पानी ना डालें। नरम डो एकदम लग चुका है। थोड़ा सा घी लगाते हुए डो को हल्का सा स्मूथ करें। डो अच्छे से लग चुका है, इसे 10 मिनट रेस्ट दें और गोल लोइयां मीडियम साइज़ की बनाते हुए सूखे आटे की हेल्प से रोल करें। तवे पर घी लगाते हुए बेसन की मिस्सी रोटी अच्छे से पकने दें। दोनों तरफ अच्छे से घी लगाएं और क्रिस्पी होने तक रोटी को अच्छे से पकने दें। सो गाइस, बेसन की मिस्सी रोटी अच्छे से दोनों तरफ से पक चुकी है। इसे प्लेट में निकालें और बटर लगाते हुए दही या मलाई के साथ इसे सर्व करें। सो गाइस, आज की बेसन की मिस्सी रोटी रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही बाइट का टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।